गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व करेंगे लिस्ट ऑफ़ हेडिंग ऑफ द पैसेज द मीनिंग एंड द पावर ऑफ स्मेल दिस पैसेज कंटेन फाइव क्वेश्चन एंड द लिस्ट ऑफ़ हेडिंग आर गिवन फर्स्ट हेडिंग इज द डिफिकल्टी ऑफ टोकिंग अबाउट स्मेल प्रॉब्लम हो रही है किसके बारे में स्मेल्स के बारे में बात करने में सेकेंड द रोल ऑफ स्मेल इन पर्सनल रिलेशनशिप पर्सनल रिलेशनशिप के भी. जो पर्सनल से हमारे संबंध होते हैं उसमें रोल का आ, स्मेल ऑफ रोल का क्या फ़र्क पड़ता है कितनी इंपॉर्टेंस है उस चीज़ की थर्ड फ्यूचर स्टडीज़ इन स्मेल फ्यूचर में क्या स्टडीज़ हो सकती हैं किसमें स्मेल के बारे में फोर्थ रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रेन एंड द नोज दिमाग में और नाक में क्या संबंध है फिफ्थ द इंटरप्रटेशन ऑफ स्मेल एज ए फैक्टर इन डिफाइनिंग ग्रुप ग्रुप को डिफाइन करने में स्मेल्स का क्या रोल है सिक्सथ वाई आवर स्मेल इज आवर सेंस ऑफ स्मेल इज नॉट एप्रिशिएटेड क्यों हमारी सेंस uh, स्मेल के बारे में अप्रिशिएट की नहीं जाती सेवेंथ स्मेल इज़ आवर सुपीरियर सेंस स्मेल क्या हमारी सुपीरियर सेंस है नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्मेल एंड फीलिंग स्मेल और फीलिंग के में क्या रिलेशनशिप है ठीक है ये हमारी आठ लिस्ट ऑफ एडिंग गीवन है अब देखते हैं कौन सा पैसेज किसके साथ मैच होता है तो हमें बी रीड करना है बी के अंदर देखो क्या गिवन है ऑर्डर आर आल्सो असेंशियल क्यू इन सोशल बॉन्डिंग ऑर्डर मीन्स स्मेल बहुत जरूरी क्यू है किसके लिए सोशल बॉन्डिंग के लिए वन रेस्पोडेंट टू अवर सर्वे बिलीव्ड दैट देर इज नो ट्रू इमोशनल बॉन्डिंग विदाउट टचिंग एंड स्मेलिंग अलाउड वन एक रेस्पोडेंट जिसने सर्वे किया रेस्पोंडेंट जो हम सर्वे करते टाइम रिस्पॉन्स देता है वो बंदे को रेस्पोंडेंट बोलते हैं बिलीव दैट उसने क्या कहा देर इज़ नो ट्रू इमोशनल बॉन्डिंग कोई भी ट्रू इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती जब तक हम उसको जिससे हम प्यार करते उसको टच ना कर सकें उसको स्मेल ना कर सकें तो ये पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड आ गया तो इसका ऑप्शन तो हमारा देखो स्टार्टिंग की लाइन में इस तो इसका आंसर है ठीक है इसका ऑप्शन क्या बनेगा इसका ऑप्शन बनेगा सेकंड वाला जो पर्सनल रिलेशनशिप है ना द रोल ऑफ स्मेल इन पर्सनल रिलेशनशिप ये किसका ऑप्शन बन जाएगा ये होगा हमारा बी का ठीक है नेक्स्ट है सी पैसेस इन स्पाइट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ अवर इमोशनल एंड सेंसरी लिव्स स्मेल इज प्रोबेबली द मोस्ट अंडर वैल्यूड सेंस इन मैनी कल्चर इसकी इम्पोर्टेंस इमोशनल और सेंसरी सेंसरिल्यू में होने के बावजूद स्मेल को क्या कंसीडर किया जाता है अंडर वैल्यूड काफ़ी कल्चर्स के अंदर तो मतलब उसकी वैल्यू ही नहीं की जाती तो यहाँ से अंडर वैल्यूड से हमारा आंसर आ रहा है ठीक है कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सिक्स वाई आवर सेंस ऑफ स्मेल इज़ नॉट अप्रिशिएटेड ये इसका आंसर बनेगा ठीक तो इसका ऑप्शन क्या होगा सी पैसेज का सिक्स वाला नेक्स्ट है डी पैसेज स्मेल हाउ एवर इज हाईली एक्सक्लूसिव फिनोमिना ऑर्डर अनलाइक कलर फॉर इंस्टेंस कैन नॉट बी नेम्ड इन मैनी लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक वकैब सिंपली डज नॉट एग्जिस्ट इट्स स्मेल लाइक किसकी तरह स्मेल करता है देखो स्मेल फिर भी क्या है एक एक्सक्लूसिव फिनोमिना है क्योंकि जो स्मेल होती है जैसे कलर्स की तरह नहीं होती क्योंकि कलर्स के तो नाम होते स्मेल का कोई नाम नहीं होता फॉर जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी लैंग्वेज के अंदर इस किस कोई स्पेसिफिक वकैब एग्जिस्ट नहीं करती जैसे हम कहते हैं ना कई बार इट स्मेल लाइक किस की तरह स्मेल करता तो कुछ चीज़ों की वकैब नहीं होती तो यहाँ पर हमारा आंसर फर्स्ट टू लाइन से आ रहा है और इसका ऑप्शन क्या बनेगा इसका ऑप्शन बनेगा नंबर वन ठीक है और वन क्या दे रखा है डिफिकल्टी ऑफ टॉकिंग अबाउट स्मेल क्योंकि डिफिकल्टी और कैब एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमें क्या होंगे उसके से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी नेक्स्ट है ई e पैसेस मोस्ट ऑफ द रिसर्च ओन स्मेल अंडरटेकन टू डेट हैज़ बीन ए फिजिकल साइंटिफिक नेचर अधिकतर जो रिसर्च हुई हैं किसके स्मेल के ऊपर वो उनका के का क्या है ना कि फिजिकल साइंटिफिक नेचर से रिलेटेड है सिग्निफिकेंट एडवांस हैव बीन मेड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ ओला फैक्शन बट मैनी फंडामेंटल क्वेश्चन है आंसर्ड सिग्निफिकेंट एडवांस जो इसमें इसको समझने के लिए जो एडवांसमेंट हुई चाहिए बायोलॉजिकल और केमिकल नेचर को जानने के लिए क्योंकि वो वेरी करता है तो उसमें अधिकतर क्वेश्चनसों के जवाब जो देने हैं वो अभी भी रहते हैं मीन उनके ऊपर रिसर्च की जा सकती है ठीक है क्योंकि क्योंकि उनके आंसर हमारे पास है नहीं तो वो फ्यूचर के लिए क्या होगा उनके आंसर्स हमारे पास नहीं है तो उनके आंसर हमें सर्च करने होंगे ठीक है तो इसका आंसर हमारा बनेगा सेवेंथ ऑप्शन सेवन्थ ऑप्शन क्या है स्मेल इज़ आवर सुपीरियर सेंस नो ये नहीं बनेगा इसका इसका बनेगा वो, वो, वो फ्यूचर वाला और वो ऑप्शन कौन सा सेवेंथ ऑप्शन नहीं वो है वो कौन सा ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है तो इसका आंसर होगा हमारे पास थर्ड सेवेंथ नजर आएगा ठीक है तो इसको आंसर क्या होगा थर्ड लास्ट पैसेज है हाउ आवर स्मेल इज नोट सिंपली बायोलॉजिकल फिनोमिना, स्मेल एक कोई सिंपल और बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फिनोमिना नहीं है स्मेल इज कल्चरल ये कल्चरल है, हैंस इट्स सोशल एंड हिस्टोरिकल फिनोमिना इसलिए ये एक सोशल और हिस्टोरिकल सामाजिक और ऐतिहासिक फिनिना है ऑर्डर आर इन्वेस्टिगेटेड विद कल्चरल वैल्यू जो स्मेल है वो इन्वेस्टिगेट किसके साथ की जाती है कल्चरल वैल्यू के साथ स्मेल दैट आर कंसिडर्ड टू बी ऑफेंसिव इन सम कल्चर्स में बी प्रेफरेबली एक्सेप्टेबल इन अदर जो स्मेल है कुछ कल्चर्स में ऑफेंसिव माने जाते है, तो दूसरों में उसको एक्सेप्ट किया जाता है मीन्स उसकी वैल्यू कल्चर के साथ वेरी करती है तो इसका ऑप्शन क्या होगा इसका ऑप्शन होगा हमारे पास फिफ्थ और फिफ्थ में क्या गिवन है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मेल इज़ ए फैक्टर इन डिफाइनिंग ग्रुप ठीक है ये थे हमारे फाइव लिस्ट ऑफ जो इजीली आप कर सकते हो ठीक है कोई टफ नहीं है और स्टार्टिंग ये दो लाइन्स के अंदर ही हमारा आंसर है जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको कि लिस्ट ऑफ हेडिंग हमेशा फर्स्ट टू लाइन और लास्ट टू लाइन से ही निकलते हैं तो ईजिली आप इस पैसेज को कर सकते हो फाइव की फाइव क्वेश्चन ठीक कर सकते हो ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव ए नाइस डे गुड नाइट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट